शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से यही है श्रद्धा मम्मा, और उन्होंने मुझे मेरी पाल मम्मा से छीन लिया। पुलिस अंकल, आप इन्हें पकड़ के जेल में डाल दो, ये बहुत बुरी है। सर, आप छोटी सी बच्ची के कहने पे कंप्लेंट कैसे लिख सकते हैं? छोटा हो या बड़ा, शिकायत कोई भी कर सकता है। ये बच्ची छोटी है तो उसकी शिकायत को नजरअंदाज ना करना और ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पायल का पूरा सच मैं आपको बताता हूँ। सर, 2 मिनट आएंगे प्लीज? जी नहीं, आपको जो कुछ कहना है यहाँ कहिए। सर, छोटी बच्ची है, प्लीज 2 मिनट आइए ना। सर, पायल एक अपराधी है। कुछ साल पहले हमने उसकी कंप्लेंट भी की थी, वो आज तक पकड़ी नहीं गई है। हाँ, देखा मैंने रिकॉर्ड्स में, पर ये बच्ची उसे अपनी माँ बता रही है। सर, सैरोगेट थी वो हमारी, सानवी मेरी और श्रद्धा की बेटी है। पायल ने सैरोगेट होने का फायदा उठाया और मेरा घर तोड़ दिया। सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं। श्रद्धा मम्मा ने मेरी पायल मम्मा को घर से धक्के मार के बाहर निकाला। क्यों? क्यों आप मुझे उनसे मिलने नहीं दे रहे हो? क्यों आपने मुझे उनसे छीन लिया? क्यों? सानवी बेटा, एक बार मेरी बात सुन। सानवी, बहुत बदतमीजी कर ली आपने, चुप करके अब यहाँ बैठो, पुलिस स्टेशन है ये। सर, पता नहीं कहाँ से पता चल गया है कि पायल ने इसे जन्म दिए है, पर असल में श्रद्धा ही इसकी माँ है। 6 साल की बच्ची को ये समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए थोड़ी नाराजगी दिखा रही है। ठीक है, पर मिस्टर त्रिपाठी जी, आपको भी अपनी बेटी पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी छोटी बच्ची अकेले घर से बाहर निकल रही है, उसकी सुरक्षा का भी तो ध्यान रखिए ना आप। जी सर, मैं पूरा ध्यान दूंगा। सानवी बेटा, मैंने कहा था ना मैं आपकी मदद करूंगा, तो आप यहाँ पर ऐसे अकेले क्यों आए? तुम क्यों मदद करोगे? हाँ, इसके माँ बाप हम हैं। अबे प्लीज, मोहित को संभालने दीजिए। दिख रहा है कैसे संभालेगा ये। चलो सानवी, घर चलो। नहीं, मैं मोहित अंकल के साथ ही रहूंगी। सानवी, बहुत बदतमीजी कर ली आपने, मैंने कहा चलो घर। अबे पुलिस स्टेशन, ऐसे चिल्लाइए मत, हम लोग घर चल के बात करते हैं। जैसे ही वो लोग आते हैं हम उनसे बात करेंगे, पहले आप अपने गरम दिमाग को शांत कीजिए। लीजिए ठंडा पानी पीजिए पहले। अरे रहने दीजिए ऋतु, बस वो लड़की मिल जाए तो हम तो गंगा ही नहा लें। तनुजा जी, दुनिया में सब चीज का इलाज है, बस आपकी जिद का नहीं है। अभय का सुझाव ना बिल्कुल सही था कि उस लड़की को ना हॉस्टल भेज देते, कम से कम आज हम सब शांति से अपनी अपनी जिंदगी में खुश तो रहते। We'll be right back.
देखना बाकी था। अरे इस लड़की के चक्कर में थाने, कोर्ट, कचहरी और पता नहीं कहाँ कहाँ के चक्कर लगाने पड़ेंगे अब। बस मम्मी, सानवी को कल ही हॉस्टल छोड़ के आएंगे। नहीं अभय, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी वो मम्मी के साथ रह रही थी और उनके सामने उसने ऐसा कुछ किया है। हॉस्टल जाएगी, वहाँ अकेली रहेगी, अगर उसने कुछ ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो 2400 घंटे उस पर निगरानी कैसे रखेंगे श्रद्धा? और सिया, सिया को आज स्कूल से लाना भूल गए हम। वो भी हमारी बच्ची है, उसे भी अपने माँ बाप की जरूरत है। अभय, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं कुछ दिनों के लिए सानवी और श्रद्धा को अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ। मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि सानवी मुझसे थोड़ा खुलकर बात कर रही है और अगर श्रद्धा भी रहेगी तो शायद इन दोनों में दूरी कम हो जाए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरे घर के मामले बोलेगा तू? मेरी बीवी और बच्चे को अपने साथ साथ लेकर जाएगा? सोचा भी कैसे तू? अरे अभय, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अभय अभय छोड़िए मोहित को प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? अभय छोड़िए। अभय छोड़िए मोहित को। क्या कहने का मतलब था तेरा? मैं अपनी बच्ची को संभाल नहीं सकता? तू है कौन? क्या रिश्ता तेरा सानवी से, मेरी बीवी से, जो मुंह उठा के कुछ भी बोले जा रहा है? ऐसे मर्द लड़कियों की मदद करना कैसे चाहते? मोहित बेटा, अभी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। बेचारा बहुत परेशान है, इसलिए ऐसा कर बैठा। नहीं नहीं अंकल, मैं समझता हूँ। माफी चाहता हूँ, वो मेरी वजह से। अब मुझे चलना चाहिए। मोहित, मोहित मेरी बात सुनो। अभय का बर्ताव तुम्हारी तरफ ठीक नहीं था। मोहित मैं समझती हूँ कि तुम्हारे इरादे नेक थे, पर मोहित वो तरीका गलत था। वो भी ऐसे वक्त पे जहाँ पे अभय और मेरा रिश्ता एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे है। अभय मुझे नहीं समझता, तुम समझती हो, और मेरे लिए सिर्फ यही काफी है। मैं सिर्फ तुम्हारी और सानवी की भलाई चाहता हूं, और कुछ नहीं। अभय ये अभी चली जाओ यहां से, मुझे कोई बात नहीं करनी है। अभय हम तुम्हारा गुस्सा समझते हैं, पर तुम ये भी समझो ना कि दीदू सानवी के पैर में अंधी हो गई है। अरे वो ना तुम्हें समझ पाएंगी और ना ही सानवी को संभाल पाएंगी। तो क्या करूं मैं? हॉस्टल भेजने के लिए वो तैयार नहीं है, जहाँ लोग होंगे उसकी देखभाल के लिए। ननियाल से वो भाग सकती है, यहाँ क्या क्या कर सकती है वो समझ में नहीं आ रहा उसे। एक रास्ता है, पर अगर तुम मानो तो।
जी आप कौन? मैं रीमा दासवानी हूँ, बच्चों की गवर्नेंस उनकी दाई का काम करती हूँ। वाह भाई, अब इस घर में दाई माँ की भी जरूरत पड़ने लगी। वाह, लगता है आप सबको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। इसकी क्या जरूरत है? गलत किया इसमें श्रद्धा, सानू को हर वक्त ऐसे भी कोई ना कोई चाहिए साथ में, और शायद उसकी जिद ही सुधार दी है। लेकिन अभय, जब मैं उसकी माँ यहाँ पर हूँ तो फिर ऐसे में किसी दाई माँ की क्या जरूरत? पर वो तुम्हें अपनी माँ तो समझे पहले। तुम्हारी कोई भी बात सुन रही है अभय? बस गुस्से में कुछ ना कुछ करे जा रही है, तो मदद लेने में एतराज कैसे? हमें कोई एतराज नहीं है आपके काम से, लेकिन एक माँ का काम माँ ही कर सकती है। एक माँ से बेहतर अपने बच्चे को ना कोई समझ सकता है ना संभाल सकता है। देखिए, आप सब पहले अपना मन बना लीजिए, फिर मुझे बता दीजिएगा। अगर बच्चे की माँ को ही सही नहीं लगता तो शायद मेरा यहाँ रुकना सही नहीं होगा। जान लोगों के सामने ऐसी बातें नहीं किया करते। आप भी बिल्कुल श्रद्धा मम्मा जैसी हो, अब मैं आपसे भी बात नहीं करूंगी। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं एक बार बच्चे से बात करूं। क्यों, अभी तो आप जा रही थी, तो अभी क्या बात करना है उससे आपको? देखिए, मैं बच्चों का मन पढ़ सकती हूँ। एक मौका दे दीजिए, उसके बाद आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। लो बताओ, अब इतनी छोटी बच्ची से आपको खुद ही अपनी बेइज्जती करवाने का शौक है? तो जाइए करवाइए अपनी बेइज्जती, हमारा मतलब था कि कर लीजिए उससे बात। सिया, तुम्हें क्या लगता है ये रीमा आंटी क्या करने वाली है? कुछ नहीं कर पाएंगी, सानवी उन पे अपनी बुक से उठा के फेंकेगी। देखा भाभी कैसे सीधी चली गई, कि आजकल की दाइमा ना कुछ ज्यादा ही उठने लगी है। अरे, जो लड़की अपनी माँ से नहीं संभाली जा रही है वो ये दाइमा क्या संभालेंगी? वैसे भी हमें तो लगता है ना कि इस बच्ची को उसके असली माँ के पास भेज देना चाहिए, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। हाँ, मैंने आप सबको बहुत तंग किया, अब से ऐसा नहीं करूंगी, सॉरी। कभी कभार बच्चे घर वालों की जगह बाहर वालों की सुन लेते। शुक्रिया बेटा मदद करने के लिए। देखिए, जैसा कि मैं आप सबको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं बच्चों का मन पढ़ सकती हूँ, जो करती हूँ इनकी भलाई के लिए करती हूँ, तो अगर आप सबको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर रखना चाहिए तो थोड़ा बहुत तो मेरे हिसाब से भी चलना पड़ेगा। और ये बात मैं पहले ही आप सबके सामने रख देना चाहूँगी। ऐसा क्या बोला इसने सानवी को कि उसने तुरंत सबसे माफी मांग ली? इतनी उखड़ी हुई बच्ची अचानक से शांत, नहीं कुछ तो अजीब है। कितनी अजीब सी है ना वो रीमा आंटी, और सानवी भी कितनी अजीब है। पता है मुझे रीमा आंटी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और अगर वो अच्छी नहीं हुई तो हम उन्हें रात में भूत बन के डराएंगे और यहाँ से भगा देंगे। बच्चों, नीचे खाना तैयार है तो तुम दोनों आ जाओ। सोनिया आंटी, हम बस 2 मिनट में आते हैं। ठीक है। मैं
सानवी को बुला कर लाती हूँ। बेटी पे ये तरीका है तुम्हारा, डरा के धमका के मार के? शर्म नहीं आई तुम्हें? बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। क्या हुआ श्रद्धा, क्यों चिल्ला रही हूं उनपे? जिस 25 साल तक मैंने ऊंची आवाज में बात नहीं की उसे डंडे से मारने जा रही थी। ये क्या तरीका एक छोटी सी बच्ची का अनुशासन सिखाने का? हे माता रानी, 5 मिनट हमारी बच्ची के साथ अकेली क्या रही? उसे मार मार के उसे माफी निकलवाई तुमने? अबे इसकी एजेंसी का नंबर दो। हाँ। मुझे उनसे बात कर दी। अभी के अभी यहां से निकल जाओ। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? निकल जाओ यहां से। नहीं आंटी, आप कहीं मत जाओ। ये दाइमा है या डायन? क्या जादू टोना किया है तुमने हमारी बच्ची पर? मार खाने के बाद भी देखो उसे छोड़ नहीं रही। बस कीजिए। मैं चली जाती हूँ। नहीं आंटी, आप कहीं मत जाओ। सानवी बेटा, इन्हें जाने दो, ये अच्छी नहीं है। आंटी बहुत अच्छी है, आप झूठ बोल रहे हो। वो तो मुझे बोल रही थी कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, वरना भगवान जी गुस्सा हो जाते हैं। देखिए, मेरा तरीका आप सबको अटपटा लगता होगा, पर मैं ऐसे ही काम करती हूँ। मुझे पता है कि जब बच्चे सीधे तरीके से नहीं समझते हैं तो उन्हें कहानियों की भाषा में समझाना पड़ता है। श्रद्धा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। पर जब इनकी माँ ही नहीं चाहती तो मैं यहाँ। सानवी के पापा आपसे कह रहे हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। चलो सानवी बेटा, खाना खाने का टाइम हो गया। सानवी के कान में कुछ अजीब सा बोलते हुए सुना था। इस रीमा पे तो मुझे पहले से ही भरोसा नहीं। एक बार सानवी को देख लेती हूँ कि वो ठीक से सो रही है या नहीं। देखा तुमने, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक बार मैं यहाँ आ गई तो मैं अपनी जगह बना लूंगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। बस अब कल से तुम भी वही करना जैसा कि हमने प्लान किया था।
कर रही थी तुम? वो मैं तेज हवा की वजह से बाहर आई थी, दरवाजे खड़खड़ा रहे थे तो मैंने सोचा बंद कर देती हूँ। गुड नाइट। बच गए आज तो। कोई तो था जिससे रीमा बात कर रही थी, मुझे पता करना पड़ेगा वो कौन था। रोशनी नीचे ये किया रदी, इससे हो जाएगा ना? अरे एकदम पक्का होगा, देखना अभी चिल्लाएंगी। कियारा, ये तुम्हारी शैतानी है ना? सिर्फ कियारा नहीं सिया, गलत बात है ये। नहीं नहीं, बच्चों को मत डांटिए। क्यों? इन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा मजाक किया है, तुम्हें इन्हें डांटने का मन नहीं कर रहा? बच्चों के साथ रहते रहते इनकी शैतानियों की आदत पड़ जाती है, पर इन्हें डांट के नहीं प्यार से समझाते हैं। मेरा तरीका थोड़ा अलग है, इसमें बहुत सब्र चाहिए, पर आप लोग फिक्र मत कीजिए, इनकी शैतानियां संभाल लूंगी मैं। देखिए, हमारे बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपको चोट तो नहीं आई? मैं फर्स्ट एड ले आता हूँ। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या चलो सिया। मजाक करने का बहुत शौक है ना, अब मैं बनाती हूँ तुम बच्चों का मजाक। बहुत मजाक उड़ा ना गंदी आंटी का। हाँ देखो, मैंने कहा था ना मजा आएगा। क्या रदी, हम भी होमवर्क कर लेते हैं, वरना अगर मिस ने नोटिस भेजा ना तो पनिशमेंट पक्की। क्या हुआ बच्चों, आप लोगों की चीखने की आवाज आई? वो गद्दे पे कुछ चुभा जोर से। हाँ मौसी, कुछ बहुत तेज कांटे जैसा चुभा। कुछ भी तो नहीं है। मेरा तरीका थोड़ा अलग है, इसमें बहुत सब्र चाहिए। बहुत हो गया, अब उसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को चोट पहुंचाने की? देखो, तुम्हारी वजह से सिया और कियारा दोनों को चोट आई है, और मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। मेरा? तो कैसी बातें कर रही हैं? मैं बच्चों की दाई हूँ, मैं चोट पहुंचाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। बस देखो, तुम अभय की वजह से यहाँ आ तो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे बच्चों के साथ जैसा मर्जी वैसा बर्ताव कर लो। मेरी नजर तुम पर अब से हमेशा बनी रहेगी।
नजर रखती रहो श्रद्धा, और फिर देखो कि मैं क्या क्या करती हूँ ताकि तुम वो सब कर सको जो मैं चाहती हूँ। वाह जी वाह, सीधा पनीर से सीधा पास्ता, ये प्रमोशन कब हुआ? और सिया का तो फेवरेट है पास्ता। आजकल के बच्चों को तो यही सब पसंद आता है। लो सिया। नहीं, पास्ता मेरा फेवरेट है। मैं दाल चावल खाऊंगी, वो भी मम्मा के हाथ का। अरे वाह सिया, बिटिया तो बहुत सियानी होगी, बिल्कुल सानवी जैसे। वैसे आज मैंने डॉक्टर को बुलाया है बच्चों के चेकअप के लिए। इससे ये पता चल जाएगा कि बच्चे स्वस्थ हैं या कहीं कोई कमी तो नहीं, फिर खाना पीना भी उसी हिसाब से तय कर लेंगे। इससे उनके व्यवहार पे, पढ़ाई पे, हर चीज पे बहुत फर्क पड़ेगा। और फिर मैंने सोचा कि जब डॉक्टर आ ही रहे हैं तो क्यों ना पूरे परिवार का चेकअप एक साथ हो जाए। आखिर घर के बड़े अपना ध्यान रखेंगे तभी तो बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे। तो वो आएंगे नीचे सैंपल लेने, आप लोग सब प्लीज आइएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने रीमा जी। और मम्मी पापा का तो चेकअप हुए भी बहुत टाइम हो गया है। थैंक यू रीमा। अरे इसमें शुक्रिया किस बात का, मैं तो जहाँ भी जाती हूँ उस परिवार को अपना ही समझती हूँ। मुझे यकीन है तुम जानबूझकर पूरे परिवार को नीचे भेजकर ऊपर अकेले कुछ ना कुछ तो करना चाहती हो, पर मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। जाल में तुम फंसोगी श्रद्धा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम नीचे जाओगे ही नहीं। ख्याल रख रही है ना रीमा हम सबका, ना तो हम खुद भी नहीं कर पाते। दूसरी औरत में आपका बच्चा है। ये तो पायल है। अगर हमारे प्लान में जरा सी भी रुकावट आई तो उन्हें अपने दोनों बच्चों का चेहरा देखना भी नसीब नहीं होगा। नहीं, तुम यहां नहीं आ सकती, चले जाओ यहां से, यहां से चले जाओ। अभय, वरुण जी, श्रद्धा क्या हुआ? पायल, पायल यार, वो वहाँ है, पर्दे के पीछे। वो वही थी, मैंने उसे खुद देखा है। वो वहाँ खिड़की के पास थी, मैंने उसे देखा है। मैं कह रही हूँ ना, मैंने खुद उसे देखा, मेरी बात का विश्वास कीजिए आप। वो पायल है, मैंने खुद उसे देखा है। यहाँ कोई नहीं है। तो इसका मतलब है वो कहीं भाग गई। श्रद्धा, अगर कोई भागेगा तो नीचे से होके भागेगा, और हम सब तो नीचे ही थे। वरुण जी, तो फिर वो यही गई है।
वो यही है वरुण जी। पायल को लेकर श्रद्धा की आंखें धोखा नहीं खा सकती है, एक बार देख लेते हैं हम सब। ठीक है चलो चलो। वो पायल ही थी। हे भगवान, वो पायल फिर वापस इस घर में आ गई है। कहीं वो हमारी सिया को कुछ ना कर दे। नहीं, हम अपनी सिया को कुछ नहीं होने देंगे। वो पायल ही थी, मैंने उसे देखा है। श्रद्धा श्रद्धा शांत हो जाओ, संभालो खुद को। इस बार पायल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे घर की दहलीज पार करने से पहले हम उसे उससे पहले जेल का दरवाजा दिखाएंगे। भाभी, हमने पूरे घर में देख लिया और पायल कहीं भी नहीं है। शायद इन्होंने मुझे देखा होगा। वो दरअसल मैं एक खेल तैयार कर रही थी बच्चों के लिए, जिसमें उन्हें कुछ ढूंढना था। तो मैं वही देख रही थी कि पर्दे के पीछे भी क्या कुछ छुपाया जा सकता है। शायद वही देखकर इन्हें भ्रम हो गया होगा। हाँ, ये हो सकता है। अरे वैसे भी आजकल पायल और उसकी, हमारा मतलब है उस बच्ची के अलावा, हम कोई बात ही नहीं करते हैं। तो हकीकत हो या सपना, वही दिखेगी ना। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो पायल ही थी मम्मी जी। अबे तू श्रद्धा को लेके अंदर कमरे में जा। आओ श्रद्धा। शाम को हम मंदिर जा रहे हैं आरती के लिए, ताकि वो पायल की मनहूसियत हमारे परिवार से दूर रहे। तुम मुझे मेरी मम्मा के पास लेके जाओगी ना? सानवी बेटा, अगर आपने मेरी बात मानी और सबके सामने अच्छे बच्चे की तरह रहे, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको आपकी मम्मा के पास जरूर लेकर जाऊंगी। अभय, आप तो मेरी बात का विश्वास कर रहे हैं ना? मैंने आज उसे अपने बहुत करीब से देखा है। श्रद्धा, तुम अभी बहुत घबराई हुई हो, तुम शांत हो जाओ। फिर कैसे शांत हो जाओ मैं अभय, जब मुझे पता है कि वो हमारे आसपास ही है? वो क्यों आ गई? कहीं वो फिर से मेरी बच्ची को ले जाने तो नहीं आई है? नहीं नहीं अभय, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। इस बार अगर उसने हमारी बच्ची को छूने की भी कोशिश की ना, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकती है। होश में आओ श्रद्धा। क्या हो गया तुम्हें? हमारी बच्चियों को उससे बचा लीजिए अभय, वो वापस नहीं आ सकती। किस्मत की लकीरों से बच्चियों को उससे बचा लीजिए। किस्मत की लकीरों से किस्मत की लकीरों से। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी बच्चियों को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सानवी बेटा, हमें ना आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। इधर आइए। बेटा, दीदू अपनी नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको कितना बुरा लग रहा होगा। पर क्या करें, दीदू ऐसी ही है। अब वो घर वापस आ गई है ना, तो वो सिया की अच्छी मम्मी बनने की कोशिश कर रही है ताकि घर वाले भी खुश रहें। और ये देखिए, आपके बारे में तो वो सोच ही नहीं रही है, इसीलिए देखिए सबके मंदिर जाने के बाद इसीलिए ये किया है आपको सबक सिखाने के लिए। पर आप तो बिल्कुल ऐसी नहीं है ना, आप तो बहुत अच्छी हैं। आप थोड़ी कुछ करेंगी दीदू को सबक सिखाने के लिए। आपको तो चुपचाप यहाँ बैठ के रोते ही रहना पड़ेगा, चाहे दीदू कुछ भी करें। नहीं ताई जी, मैं पायल मम्मा के साथ गलत नहीं होने दूंगी। और मैं श्रद्धा मम्मा को सबक सिखाऊंगी। और इसमें आपकी ताई जी आपकी मदद कर सकती हैं, पर
अगर आपने दीदी को बता दिया तो वो हमारे साथ भी यही करेंगी। नहीं ताईजी, मैं नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। बस जल्दी से यहाँ सब खत्म कर ले वरना हमें कोई देख ना ले। ये क्या हो रहा था कीर्ति? मेरी बेटी को तू मेरे खिलाफ भड़का रही है? बोल, जवाब दे, तुझसे कुछ पूछ रही हूँ मैं। क्यारा, क्यारा जवाब दीजिए, दीदू कुछ पूछ रही है। क्या क्या कर रही थी, ये सब क्या सिखा रही थी आप सानवी को? दीदू, हम तो ये सब निकाल रहे थे। कीर्ति, झूठ क्यों बोल रही हो? आपने तो कहा है ना हमें ये सब लगाने के लिए। क्यारा, झूठ क्यों बोल रही हैं आप? हम झूठ नहीं बोल रहे, सानवी ने कहा था हमें ये सब लगाने के लिए। बेटा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है। लो, अब एक नया तमाशा शुरू हो गया। अरे, इस लड़की की बदतमीजी का कोई अंत है भी या नहीं? सानवी को ये सब करने के लिए कीर्ति ने भड़काया था। तू क्या कर रही है आप? शर्म नहीं आई तुझे कीर्ति? इतनी छोटी सी बच्ची के दिमाग में तू ये जहर घोल रही है। कियारा की परवरिश तो ठीक से कर नहीं पाई तो अब सानवी को भी तो वैसे ही बना देगी। कीर्ति, आपको समझ नहीं आ रहा कि इन सारी बातों का सानवी पे क्या असर पड़ेगा? कीर्ति, अपनी सगी बहन का साथ नहीं दे सकती तो कम से कम उसके खिलाफ भी मत खड़ी रहो। पता नहीं तुम्हें नए नए हर रोज तमाशे करने में क्या ही मजा आता है। अरे बस करिए सब। हम यहाँ चुपचाप खड़े होकर आप लोग की बातें सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हम पे कोई भी इल्जाम लगा देंगे। इल्जाम नहीं है ये कीर्ति, ये सच है क्योंकि ये करते हुए मैंने तुझे देखा है। बस करिए दीदू, आप जो कहती हैं आपके लिए वही सच होता है। आपको लगता है हम सबको भड़काते, पर ऐसा नहीं है, हम नहीं आप भड़काती हैं। और ये आज से नहीं, हमेशा से करती आ रही हैं। शर्म नहीं आती आपको? खुद तो अच्छी माँ बन नहीं पाई तो आप हमें सुना रही हैं? शर्म तो आपको आनी चाहिए। इस घर में अगर कोई माँ कहलाने के लायक नहीं है तो वो आप हैं। कीर्ति, तूने एक बार भी नहीं सोचा ना कि बच्चों को अगर ऐसे रास्ते पर लेके जाएंगे तो उनका भविष्य कैसा होगा? बस दीदी, यहाँ आपको खुद के अलावा हर किसी में खोट नजर आती है। अरे आपने तो सबको हमारे खिलाफ इतना भड़का दिया है कि सब हमें शक की निगाहों से देखते रहते हैं। हमने ना फैसला कर लिया, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं और साथ में हम अपनी बेटी को भी लेके जा रहे हैं। अब इस घर में ना हम एक पल नहीं रुकेंगे। कीर्ति, आप होश में तो है?
अपनी गलती मानने की बजाय आप घर छोड़कर जाने की बात कर रही हैं। हम गलत हो ना हो, इस घर में गलती हमारी ही होती है और हर बार हमें फैसला सुनाया जाता है ना, तो आज हमने भी अपना फैसला सुना दिया। कीर्ति, ये क्या तरीका है बात करने का? तो तुम्हें समझ में भी आ रहा है ये सब करके कियारा और भाई पे क्या बीतेगी? तुम अपने हाथों से अपना ही घर तोड़ रही हो। वाह, जिसका खुद का घर टूटा हुआ है वो हमें ज्ञान दे रहा है कि हम अपना घर कैसे बचाएं। कीर्ति, जुबान संभाल के बात करो। कीर्ति, ये कोई तमीज है बात करने की? कैसी बातें कर रही है भाभी? अभय से पैसे मांगने में इसे शर्म नहीं आती तो उल्टा ताना मारने में क्यों आएगी? और वैसे भी अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए इसकी जबान कैंची की तरह चलती है। अगर हमारी जबान कैंची की तरह है तो क्या आपकी जबान आर्यन से कम है? घर में पंचायत आप कम करती थी कि रेडियो पे भी जाके घर वालों का तमाशा बना दिया? मैं कीर्ति का घर दोबारा से टूटने नहीं दे सकती। चलो ग्यारह, रुक जाओ कीर्ति। आप क्यों रोक रही हैं? आप तो यही चाहती थी ना कि हमारी इतनी बेइज्जती आप करते कि हम खुद घर छोड़कर चले जाएं। कीर्ति, ये बात तू भी जानती है कि तूने गलती की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू घर छोड़कर चली जाएगी। क्या गलत किया है हमने? हमारी पूरी बात सुने बिना आपने फैसला सुना दिया कि हम गलत हैं और आप सही। नीदू, यही पट्टी आपने सानवी को भी पढ़ा रखी है ना, कि आप जो बोले वही सच। मामा, आपने सुबह से कुछ ठीक से खाया नहीं है, ये लो दूध पी लो वरना आप वीक हो जाओगे। थैंक यू बेटा। शाबाश सानवी, अब तो घर वाले भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे श्रद्धा।